आज आप लोग जहां भी देखेंगे एक दो ही शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, या तो कोरोना वायरस या फिर आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा जा रहा है। तो देखते हैं आखिर कि आखिर ये आर्टिकल आत्म भारत को लेकर कैसे लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आत्म भारत अभियान के जो आयाम है उन पर भी बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के 5 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं उसे भी देखेंगे। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का विकास भी देखेंगे। उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी, अभियान के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। याद रखिए, अगर आप लोग जो अभी आपने देखा था चाइनीज सामानों का बैन किया जा रहा था, वाइकॉट किया जा रहा था, तो ये कह सकता हूं मैं कि संभव हो सकता है कब, जब आप पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे। आप सबसे छोटे स्तर पर देख सकते हैं आप लोग कि आप पड़ोसी से आपको जरूरत कब पड़ती है, जब आपके पास कोई सामान ना हो। हो सकता है कि आप पूरा सामान इकट्ठा कर लें, मतलब सभी उत्पादन आप करने लगे, आपके घर में दूध होने लगे, चीनी उत्पादन होने लगे, सब्जी उत्पादन होने लगे, गेहूं आटा सब व्यवस्था हो जाए, तो आपको अपने पड़ोसी की जरूरत नहीं पड़ेगी या ना फिर बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सोचिए कि जब तक आपके पास अगर सभी सुविधाएं नहीं है तब तक आपको दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से आत्मनिर्भर का मतलब है कि भारत तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब बाकी देशों से हमें जरूरत ना पड़े। हमारे यहाँ मोबाइल की इतनी उत्पादन होने लगे, मोबाइल इतने बनने लगे कि हमारे यहाँ जितने भी चलाने वाले हैं उनकी पूर्ति होते जाए, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि 70 से 75% कब्जा हमारे यहाँ चाइनीज कंपनियां करे हुए हैं। और आप सोचिए कि आप सोचते हैं कि आपके 2 दिन चिल्लाने से मुझसे वाइकोट चाइना वाइकोट चाइना, तो हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद भावनाएं, मतलब हमारे सब लोगों की भावनाएं भड़की हुई थी। तो उसके बाद 2 4 6 दिन ये चला, उसके बाद आपने देखा है कि बुझ गई लालटेन। और आपके जब चिल्लाने के बाद भी आप देखिए कि आपका व्यापार कम नहीं हुआ था, उसके बाद भी आपने देखा है कि चाइनीज जो भी फोन थे धड़ल्ले से बिक रहे थे आपके यहाँ, क्योंकि सस्ते फोन है वहां के। और आप सोचिए कि आपके इंडिया के जो भी इंसान है, मतलब सब व्यक्ति हैं, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक 40,000 का फोन खरीद सकें, और वही चाइनीज कंपनी का आपका 6 से 7 हजार में मिल जाएगा और वही सभी फीचर्स रहेंगे। तो या तो आप सस्ता फोन बनाइए, सस्ती चीजें दीजिए, इसलिए हर कोई तुम्हारा खरीदेगा। बाहर की चाइनीज तभी तो खरीदते हैं लोग कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप उन्हें दूसरा ऑप्शन दे देंगे तो आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। परिचय की बात करें तो कोरोना महामारी के कारण हुए तीसरे लॉकडाउन की समाप्ति के 5 दिन पहले अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान की एक अहम कड़ी के रूप में कार्य करेगा। हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो कि रिजर्व बैंक के फैसले थे, जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब आपका 20 लाख करोड़ रुपए का है। आपने देखा होगा कि आपके प्रधानमंत्री ने 3 4 बार इस शब्द का यूज किया था, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। तो आप समझ रहे हैं, यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% बताया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज 2020 में देश की विकास गाथा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। विश्व बैंक के अनुसार अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5% रह जाएगी। कब की बात कर रहा हूं, 2019-20 की बात की जा रही। वहीं आप 2021 की बात करेंगे तो तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी, जो घटकर आपकी मात्र 2.8% रह जाएगी। कई रेटिंग एजेंसियां आपकी 1.5% भी बता रही हैं, तो आप इसमें नहीं रहिए, ठीक है। और आपकी एक समय हुआ करता था कि आर्थिक विकास दर आपकी 7.456 तक पहुंच जाया करती थी, और आज देख सकते हैं कि 1 से 1.5% या 2 2.5% जा रही है। तो अर्थव्यवस्था वैसे हमारी खस्ता हालत तो कोरोना महामारी के पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसमें जो कमी बची हुई थी वो आपकी कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। और 20 लाख की जो बात की जा रही, तो याद रखिए किसी को ज्यादा डायरेक्ट पैसा नहीं दिया गया है, ये आपको कई योजनाएं इस तरह की लाएंगी। देखिए, हाल में भी जरूरत थी डायरेक्ट पैसे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की,
यानी कि हर व्यक्ति का काम धंधा चौपट हो चुका था, तो हर व्यक्ति के खाते में पैसा जाना चाहिए था भी। यही आपके अर्थशास्त्री बड़े बड़े जो भी रहे उनने किया है, यही अमेरिका ने किया है, यही जापान ने, बैटन मैटन इस तरह, सिंगापुर, इन सभी देशों को देखिए, इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की थी कि डायरेक्ट पैसा भेजा गया है। लेकिन आपके देश में, हाँ ये मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि आगे चल के इस 20 लाख करोड़ रुपए की जो बात की जा रही है, आगे फायदा होगा, लेकिन आपको कोई ज्यादा दिखा नहीं है। 20 लाख करोड़ रुपए का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो ये आपकी योजनाओं में लगाई जाएगी, इस तरह से आपके ढांचे बनाए जाएंगे, आधार बनाए जाएंगे, तो इस तरह से होगा, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी उस समय आई जब वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव बढ़ गया और सरकार स्थिति से उबरने व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर रही है, जो सार्वजनिक व निजी निवेश को राहत प्रदान करने में सहायक भी होगी। अभी आपने लोगों ने एक कार्टून देखा होगा, बहुत चला सोशल मीडिया पर, जब कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात की जाने लगी और आपके बाबा रामदेव साहब हैं जो, उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है, तो मोदी साहब की एक तरफ पिक्चर बनी हुई है, एक तरफ आपके बाबा रामदेव साहब की, और कहा जा रहा है कि मोदी साहब पूछ रहे हैं बाबा रामदेव से कि किस तरह से आपने ट्रायल किया, किस तरह से आपने इसे बनाया, तो उन्होंने कहा जिस तरह से आपने 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख करोड़ रुपए, उसी तरह से हमने इसका ट्रायल कर लिया, ना तो मुझे पता चला कि 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ है और ना ही वैक्सीन का पता चला। तो ये बहुत कार्टून आपका चर्चा में भी रहा है। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान के आयाम की बात करेंगे, तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रिता से अलग है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबम की संकल्पना में विश्वास करता है, क्योंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसे करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण और संरक्षणवाद को बढ़ावा देने नहीं दिया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा के प्रथम चरण में वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन किया जाएगा, ताकि द्वितीय चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन किया जा सके। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, और सरकार ने इन क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय लिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अन्य देशों पर जो आयात करते थे उनकी कटौती की बात की जा रही है। इनमें आपका फर्नीचर, फुटवेयर और एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान, मशीनरी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल है आपके। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत के 5 मुख्य स्तंभों की बात करें, तो अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो, पर आपकी अवसंरचना ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने, प्रौद्योगिकी 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली, पर आपका गतिशील जनसांख्यिकी जो भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मांग की बात करें तो भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। अभी देखिए आपके पूरी तरह से उद्योग धंधे चौपट रहे हैं, पूरी तरह से बंद रहे हैं। अब मांग तभी उत्पन्न की जा सकती है जब व्यक्ति के पास पैसा होगा, तभी तो वो सामान कुछ खरीदेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा था कि डायरेक्ट पैसा भेजा जाए सभी के खाते में, उसके बाद एक मांग उत्पन्न होगी, मांग उत्पन्न होगी तो बाजार चालू होंगे, बाजार चालू होंगे तो उद्योग धंधे आपका चालू होगा। वरना आप सोचिए कोई खरीदने वाला ना हो तो उत्पादन करके क्या करेंगे आप, बेकार जाएगा ना, तो इसी की बात की जा रही थी। अगर हम लोग स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के विकास की बात करें, तो भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ हिस्सों में बड़ी प्रगति हुई है, परंतु अन्य में आज भी हम किसी ना किसी रूप में अन्य देशों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वैश्विक बाजार में अपना स्थान बनाया, परंतु हार्डवेयर के निर्माण में भारतीय कंपनियां उतनी सफल नहीं रही हैं। अन्य उदाहरण में भारतीय दवा उद्योग, मोबाइल असेंबली आदि हैं, जहां स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है। आप भी जानते हैं कि दवा आपके यहाँ अच्छी बनती है, लेकिन आप देखिए कि कच्चा माल इसके लिए आपका 70 से 80% आप लोग चाइना पर निर्भर रहते हैं,
मोबाइल के लिए आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ जो भी मोबाइल बिकते हैं उनमें से 70-75% आपका चाइनीज फोन होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। जब आपके पास कोई आपके यहाँ इस तरह की सुविधा हो जाए, विकल्प व्यक्ति को मिलने लगे, तो वो चाइनीज फोन बंद कर देगा खरीदना। देखिए, भावनात्मक रूप से कभी देश आगे नहीं बढ़ पाया है कि आपके यहाँ अगर स्ट्राइक होती है या फिर कहीं आपके सैनिक जवान शहीद होते हैं, उसके बाद आपकी जो भावनाएं होती हैं वो कुछ समय के लिए रहती हैं, 2 से 4 दिन आपके मन में गुस्सा रहता है, उसके बाद आप ही आप फोन खरीदने लगते हैं। अभी मैं जिस दिन आप हमारे सैनिक सभा शहीद हुए, उसके बाद आपने देखा कि वाइकॉट चाइना चलने लगा था, ट्रेंड करने लगा था हर जगह। उसके बाद मैंने एक टीवी चैनल देखा जो अच्छा राष्ट्रीय टीवी चैनल है, उसके नीचे जो पट्टी होती है वहाँ मोबाइल चाइनीज फोन का ऐड किया जा रहा था। वो वही एंकर चला रहा था कि सामान को बंद कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो समझ रहे हैं कि आप लोगों को, मतलब आम जनता को भड़काने के लिए ये अपना रोजी रोटी इनकी बंद नहीं होती है, ये दूसरे की रोजी रोटी पर असर डालते हैं, सिर्फ इतना रहता है। सबसे पहले आपको ही इस जो एडर करना है वो बंद कर देना चाहिए था, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अगर उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास के साथ साथ ही उत्पादन के स्वरूप और कंपनियों उद्योगों की कार्यशैली में बड़े बदलाव होंगे। ऐसे में कृषि और अन्य क्षेत्रों को इन परिवर्तनों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ध्यान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की पैकेजिंग या फिर उनसे बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर छोटे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देकर औद्योगिक उत्पादन संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। याद रखिए, अगर आपको आत्मनिर्भर भारत को सक्सेस बनाना है, सफल बनाना है, तो इसमें आपको कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत यानी कि सबसे छोटे निचले स्तर की जो भी पंचायतें हैं उन्हें भी सशक्त करना होगा, उन्हें भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाना होगा। इसके बाद ही कुछ हम सफल हो सकते हैं, और जनता को जागरूक करना होगा, समझ रहे हैं। जब तक हम लोग पूरी तरह से इससे परिचित नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप सफल हो पाएंगे। तो सभी को एक साथ आना होगा इसमें। अगर अभियान के समक्ष अगर चुनौतियां यानी कि समस्याओं की बात करें कि इसके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, तो हाल ही में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी और वित्तीय तरलता की चुनौती के मामले में वृद्धि देखी गई। COVID-19 की महामारी से औद्योगिक गतिविधियों के रुकने और बाजार की मांग को कम होने से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि हुई है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है। ऐसे में लागत को कम से कम रखते हुए वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना एक चुनौती होगी। विशेषज्ञों के अनुसार चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक मुख्य कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में एक मजबूत आर्थिक आधारित ढांचे का अभाव है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पादक किसी न किसी रूप में आयात पर निर्भर रहे हैं। याद रखिए, अभी आपने देखा होगा कि बात की जा रही थी कि जो चाइनीज कंपनी चाइना से कंपनी निकल रही है वो भारत में आएंगी, लेकिन आपने देखा है ना कि बराबर हमारे भारत में कंपनी आई हुई है, समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या वो व्यवस्था नहीं है जो आप उसे चाइना में मिल रहा था? आपके यहाँ सस्ती श्रम शक्ति मिल जाती है, उसके बाद नियम कानून होना चाहिए, समझ रहे हैं, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी कोई कोई आप अपने आपको ही ले लीजिए। आप कहीं धंधा यानी कि अपनी कोई भी काम करना शुरू कब करेंगे? जहाँ वहाँ का माहौल देख लेंगे कि आपके हिसाब से वहाँ का माहौल है या नहीं, तभी आप वहाँ बिजनेस करेंगे। तो यही कंपनी का रहता है। सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायियों को दी जाने वाली सहायता मुक्त व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के मानकों के अनुरूप ही जारी की जा सकती है। लास्ट में आप कह सकते हैं कि कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के उपरांत देश के नागरिकों का सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है, जिससे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें सके, और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से ना केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों में क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की गई है, अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधारों जिनमें कोयला आपका खनन क्षेत्र में जैसे भी शामिल है। तो ये कहानी है आपके आत्मनिर्भर भारत की, ठीक है।
अभी हाल में आपका देखिए कि केस बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से, इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अब सरकार ने आपका ख्याल रखने की बजाय अर्थव्यवस्था का ख्याल रखना शुरू कर दिया है, तो आपको सेफ्टी अपनी खुद रखनी है। ठीक है,